मैडम क्या कर रही है आप? सर मेरा बैग और मेरी कार की चाबी दोनों अंदर रह गए और मेरा बच्चा भी बहुत देर से अंदर फंसा हुआ है, प्लीज हेल्प मी। मैम आप एक मिनट वेट कीजिए। अरे सर मेरी कार बुलेट प्रूफ है, इससे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा क्या करें? कुछ कीजिए, मेरा बच्चा बहुत देर से अंदर है। मैडम आप एक काम करिए, आप यहीं वेट कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। सुनो क्या तुम कार को अनलॉक कर सकते हो? ट्राई कर सकता हूँ लेकिन हुआ क्या है? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, चलो मेरे साथ। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, ये आपकी कार को अनलॉक करेगा। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा बच्चा बहुत देर से अंदर फंसा हुआ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज पहले मेरी हथकड़ी खुलवाइए। कर दो। मुझे एक औजार की जरूरत है। ठीक है लेकर आप। ये लो। मैडम मुझे नहीं लगता कि आपकी कार अनलॉक कर पाएगा। प्लीज एक बार और ट्राई कर दीजिए ना प्लीज। थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? जी आप मेरे लिए क्या करेंगे, मैं तो वैसे भी जेल जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है, उसकी सज़ा भुगतनी है। वैसे तुमने किया क्या है? मेरी माँ बीमार है और मेरे पास उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चोरी की। I'm sorry, पर तुमने कार इतनी इजीली कैसे ओपन कर दी? जी मेरे पिताजी ना चाबी बनाने का काम करते थे तो उन्हें देख देख के मैं सीख गया, बट अब वो नहीं। मेरे हस्बैंड की सिक्योरिटी एजेंसी की कंपनी है, जब तुम जेल से बाहर आओगे तो वहाँ जॉब कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अपनी माँ की चिंता मत करना, मैं उनका ध्यान रखूंगी। बहुत धन्यवाद। तुम्हारा भी। बेटा मन तो सोचे भी ना था मैं तुम देख पाऊंगी। बेटा मन बेल करवाने की बहुत कोशिश करी, मेरे पास पैसे नहीं थे। माँ ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर जब मैंने पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने ही बताया कि बेरी बेल किसने कराई है। चलो बेटा भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज बेटा का अंदर आ जा। बेटा मैं बहुत खुश हूँ तू आ गया, और भगवान उसका भला करा है जिसने तेरी बेल कराई से। माँ जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया अपने आप को बदलने का, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। ठीक है मैं देख करती हूँ।
जी कौन? आंटी मेरा नाम रिया है, मुझे कुणाल से मिलना है। वो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो जेल से वापस आएगा तो मैं उसे अपने हस्बैंड की कंपनी में जॉब दिलाऊंगी, तो मैं उसी के लिए आई हूँ। मैम आप आइए ना, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं, तुम ये रखो और तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। और आंटी ये आपके लिए, इसमें आपका इलाज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, तुमने उस दिन जो भी मेरे लिए किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो। देखा बेटा, हम अच्छा करते हैं ना, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता। चल बेटा।